हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बच्चे कर रहे हैं क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 40। और ये आपकी 5 अक्टूबर की वर्कशीट है, यानी कि इस मंडे की वर्कशीट है। इसके अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और इससे पिछली वर्कशीट में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किया था, आज हम करने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, जो ये लॉज ऑफ मोशन होते हैं बेटा, इनको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो लॉज दिए थे ना, ये न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, सो ये न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जाने जाते हैं। सो बात करते हैं आज के लॉ के बारे में, आज की वर्कशीट के बारे में, समझ लेते हैं कि क्या कुछ मटेरियल हमें इसके अंदर जो है वो दिया हुआ है। सो पहले बोलता है ज्ञान जो है वो बोलता है, जिज्ञासा दीदी आई हैव लर्न्ड दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। वो बोलता है कि किसी भी चीज को मूव करने के लिए, किसी भी वस्तु को चलाने के लिए एक अनबैलेंस फोर्स चाहिए होता है। मतलब अगर दोनों साइड से 100-100 न्यूटन लग रहा है तो वो नहीं चलेगी। एक साइड का 200 होगा, एक साइड का 100 होगा, तभी कोई चीज़ जो है वो चलेगी। बट कैन वी मेजर द अमाउंट ऑफ द फोर्स इन्वॉल्व इन इट। तो क्या हम वो फोर्स जितना है वो उतना बल जो है वो हम निकाल सकते हैं कि कितना बल किस साइड से लगा है? हाँ, तो देखिए ज्ञान इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, हाँ हम इसको निकाल सकते हैं, पर इसको समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि मोशन का दूसरा नियम पढ़ना पड़ेगा। अब बोलता है क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जो रेट ऑफ मोमेंटम होता है, मोमेंटम क्या होता है बेटा? किसी भी चीज का मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेलोसिटी। किसी भी वस्तु का मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेलोसिटी इज नोन एज इट्स मोमेंटम। और मोमेंटम आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको हम केजी मीटर पर सेकेंड के अंदर मेजर करते हैं। इसको डिनोट किया जाता है पी से, एंड दैट पी इज इक्वल्स टू एम वी, वेयर एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि जो मोमेंटम के अंदर चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब एफ जो है ना बेटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। यानी कि आप मान के चलो पी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाई टी, इसके बराबर होगा। ओके, पी टू हमारा फाइनल मोमेंटम है, पी वन हमारा इनिशियल मोमेंटम है, और डिवाइडेड बाई टी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब डिवाइडेड बाई टी, किसका? मोमेंटम का। या आप इसकी जगह पे नॉर्मली क्या लिख सकते हो, एफ इज इक्वल्स, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय टी। डेल्टा पी डिनोट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज कैसे निकालना है या क्या कुछ करना है उसके बाद हम देख लेते हैं इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। तो हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका मास है एम, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है एम, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू, इसके ऊपर हमने एफ फोर्स लगाया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में है वो बन गई वी, और इसके अंदर टाइम कितना लगा टी। सो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी यू, लेट द फोर्स एफ बी अप्लाइड ऑन इट फॉर टाइम टी विच इंक्रीजेस द वेलोसिटी वी। ओके, अब मोमेंटम क्या होता है? दो मोमेंटम आएंगे बेटा, एक तो एम यू आएगा पी वन, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल मोमेंटम। जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी यू है तब आपका एक मोमेंटम आएगा, दैट इज इनिशियल मोमेंटम। और जब आपकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी यानी कि वी होगी, तब आपका एक मोमेंटम आएगा, दैट इज पी टू, जिसको हम बोलते हैं फाइनल मोमेंटम। और पी वन एम यू के बराबर होता है, पी टू एम वी के बराबर होता है। इज दिस क्लियर? अब हमारा सेकेंड लॉ क्या बोलता है, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। तो सबसे पहले चेंज निकाल लेते हैं, तो पी टू माइनस पी वन करेंगे। ऑलवेज याद रखना है ये चीज, अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो अच्छे से कि हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है, हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे, इनिशियल में से फाइनल माइनस नहीं करना है। सो फाइनल मोमेंटम यानी कि पी टू माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी कि पी वन, देयर वो क्या आ गया हमारे पास एम वी माइनस एम यू, एम कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया वी माइनस यू। इज दिस क्लियर? ओके, अब रेट ऑफ चेंज निकालना है। अभी अभी मैंने बताया रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए उस क्वांटिटी को डिवाइड कर दो, किससे? टी से। हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम इज एम वी माइनस यू, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। इज दिस क्लियर? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि एफ प्रोपोर्शनल टू दिस क्वांटिटी, देयरफॉर एफ प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब वी माइनस यू क्या होता है बेटा? चेंज इन विलॉसिटी। वी माइनस यू इज चेंज इन विलॉसिटी।
ठीक है, और टाइम नीचे आपको दिया हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो इसको क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया। कांस्टेंट ऑफ ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे ना तो इसकी जगह पे एक के आ गया। के क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो अब इसकी जगह पे ए पुट करेंगे तो ये बराबर के एम ए बन गया। अब मैं मान लेती हूँ कि के की वैल्यू क्या है, वन है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, क्लियर। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये थी आपकी डेरिवेशन सेकंड लॉ की। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो एग्जांपल में सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में एक खिलाड़ी क्या कर रहा है, कैच लेने की कोशिश कर रहा है। आजकल आईपीएल चलते हैं, आप कोई भी कैच आउट होता है तो उसको देखना अच्छे से। वो क्या करते हैं, जब ऊपर से गेंद आती है ना तो उसको नीचे ऐसे हाथ जो है वो ऐसे केज टाइप बना लेते हैं, और जैसे जैसे वो बॉल नीचे आती है ना उसके साथ साथ वो हाथों को नीचे लेके जाते हैं, जैसे इस सेकंड वाली पिक्चर में आपको दिखाया गया है। वो क्यों लेके जाते हैं, दिस इज ड्यू टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अदरवाइज अगर आप नीचे नहीं लेके जाओगे तो वो आपके हाथ से टकराएगी, आपका हाथ जो है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और वो आपके जो हाथों में से बाहर निकल के गिर जाएगी। इसीलिए हाथ को साथ साथ क्या करना पड़ता है, नीचे लेके आना पड़ता है। ओके, इन स्पोर्ट ऑफ लॉन्ग जंप एंड हाई जंप एथलीट्स आर मेड टू फॉल आइदर ऑन ए कुशन बेड और सैंड बेड। अब जब हाई जंप और लॉन्ग जंप लगाते हैं खिलाड़ी, ठीक है, तो क्या किया जाता है, या तो उनको जो छलांग लगवाई जाती है वो गद्दे के ऊपर लगवाई जाती है, या कहाँ पे लगवाई जाती है, जो मिट्टी होती है उसके अंदर लगवाई जाती है। वो भी न्यूटन से खिला का एग्जाम्पल है। ठीक है, कराटे प्लेयर ब्रेक्स द स्लैब ऑफ स्टोन विद अ सिंगल ब्लो। ईंट को तोड़ते हैं ना, आपने देखा होगा कराटे जो मार्शल आर्ट चाइना जापान वगैरह में चलता, तो वो दिखाते हैं कि ऐसे ईंट रखी हुई है उसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक करते हैं हाथ से और उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद में फील्डर इन द क्रिकेट ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स वाइल कैचिंग द मूविंग बॉल। अभी अभी बताया कि हाथों को पीछे की तरफ उसको लेके आना पड़ेगा, जैसे जैसे बॉल जा रही है पीछे हाथों को लेके आना पड़ेगा। बुलेट हार्म्स ओनली व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। अब बुलेट है, कोई गोली है, ठीक है, उसको आप सीधा मार दो अपने हाथ से, वो बंदे को नहीं मारेगी, और जब आप उसको बंदूक में से चलाओगे ना तब वो बंदे को मार देती है। ये थे कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स न्यूटन से किला के। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जांपल, अ फोर्स एक्स ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर 2 सेकंड। कोई भी एक बॉडी है जिसका एम आपको 5 kg दिया हुआ है, उसके ऊपर 2 सेकंड के लिए फोर्स लगता है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो 3 meter per second से 7 meter per second हो जाती है। यानी कि यू आपको 3 meter per second दिया और वी आपको 7 meter per second दिया। ठीक है, हमने निकालना है अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड के लिए आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। के को 1 पुट कर लो, ठीक है, यहाँ पे ये जो के है इसको 1 पुट कर लो और बाकी सेम रहने दो। एम आपको दिया, वी दिया, यू दिया और टी दिया, वैल्यूज पुट करोगे, एफ आपके पास 10 newton आ गया। सेकेंड है, इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 seconds। अब ये इतना फोर्स अगर उसके ऊपर 5 seconds के लिए अप्लाई किया जाए तो आपने उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला यही यूज करोगे। अब यहाँ पे आपने एफ एम वी एम यू और टी की वैल्यू पुट करनी है, वी की नहीं करोगे। इन सब का मान रख के आप वी निकालोगे, दैट इज 13 meter per second। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्राइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म, तो कहीं पे नहीं जाना आपने इसके सॉल्यूशन के, ये रही मैथमेटिकल कैलकुलेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ तक जो है इसको करना है, क्योंकि यूनिट हमें नहीं पूछी है, तो यहाँ तक आपका जो है ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बच गए उनके आंसर्स के लिए सॉल्यूशंस पे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इनको भी। पहला क्वेश्चन है बेटा, ड्राइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये मैंने आपको अभी अभी वर्कशीट के अंदर मार्क करवा दिए, आप वही सेम लिखोगे। व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ कार पार्क्ड एट द रोड साइड एक्सप्लेन। द मोमेंटम ऑफ कार पार्क्ड इज 0 बिकॉज ओनली ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन मोशन कैन हैव मोमेंटम, और जो रेस्ट के ऊपर होते हैं उनका मोमेंटम नहीं होता। आप इसके साथ इंक्लूड कर सकते हो बेटा कि जो मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी। अगर आपकी कार रेस्ट पे है दैट मीन्स कि V इज इक्वल टू 0, देयरफॉर P इज इक्वल टू 0। ओके, ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं अगर आपने करना है तो। बाकी आप इतना लिख दें क्योंकि हमें कोई इक्वेशन वगैरह पूछी नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा इफेक्टिव बनाना है अपने क्वेश्चन को तो आप लिख सकते हो, वी नो दैट P इज इक्वल्स टू एम वी एज वी इज इक्वल टू 0 एज गिवन वी इज इक्वल टू 0 देयरफॉर पी इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इंक्रीज फ्रॉम 5 meter per second टू 8 meter per second इन 6 seconds। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो 100 kg का है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 5 meter से 8 meter हो गया, यानी कि ये आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है,
ये आपको फाइनल वेलोसिटी दिया है, इसको चेंज होने में टाइम टी जो है वो 6 सेकंड लगा है। यहाँ पे आपको मास एम दिया हुआ है, दैट इज 100 kg। सो गिवन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 m/s, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 8 m/s, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू चेंज द वेलोसिटी इज 6 सेकंड। वी नो दैट बाय द इक्वेशंस ऑफ मोशन वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, at। हमने वैल्यूज पुट की, वी 8 दिया है, यू 5 दिया है, ए हमने निकालना है, 6 हमें टाइम दिया है। सो इसके सॉल्व करने से हमारे पास आ गया ए, दैट इज 0.5 m/s². ओके, गेट इट। नेक्स्ट, वी ऑल्सो नो दैट, हमें ये भी पता है क्या कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स या अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो मास इज इक्वल टू 100 kg लिख दिया, एक्सेलरेशन इज 0.5 m/s² लिख दिया। तो ये जो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना बेटा, इसको हम न्यूटन भी लिख सकते हैं, ये 1 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 kg m/s² जो वो 1 न्यूटन के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, न्यूटन लिख देते हैं। सो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज 50 न्यूटन, तो हमारा आंसर आ गया 50 न्यूटन। नेक्स्ट, ये आपको ना कई जो वीडियोस मिलेंगी उनमें किसी और तरीके से करवाया है, वो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा था तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट तरीका जो आपके लिए ढूंढा और वो लगा के दे दिया। अदरवाइज़ आप किसी भी मेथड से करो, एग्जाम में आपका गलत नहीं होता है। ओके, ए ट्रक ऑफ 1000 kg मास इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.5 m/s, आपको एम दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी दी हुई है, मोमेंटम निकालना है, वी दिया है, एम दिया है, पी कैलकुलेट करना है। तो पी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज पी इज इक्वल्स टू एम वी, हमने अभी अभी वर्कशीट में पढ़ा। एम और वी की वैल्यूज पुट की, हमारे पास पी की वैल्यू आ गई, दैट इज 500 kg/s। ओके, दिस इज आर फोर्थ क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, डिफाइन मोमेंटम ऑल्सो राइट इट्स SI यूनिट्स। तो मोमेंटम क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज नोन एज मोमेंटम ऑफ द बॉडी, या आप लिख सकते हो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, इट इज डिनोटेड बाय पी एंड पी इज इक्वल टू एम वी विच इज इक्वल, और इसकी ऐसा यूनिट होती है kg m/s। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आप दोनों ही लिख लें बेटा, दो दो ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलता है, सो आप दोनों ही लिख लें। ठीक है, और ये जो है ना, इनको कोमास के अंदर बंद कर लेना, ये वाले एम और वी को। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद में मैं आपको कुछ पार्ट दिखा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, ये है हाफ पार्ट इसका, इक्वेशन ऑफ मोशन से लेके उसके बाद का पार्ट दिखा देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो ये रहा बाकी का पार्ट, एंड देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको वर्कशीट में करवा चुकी हूँ और 2 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे फिनिश होती है, वर्कशीट नंबर 40।